पहला थप्पड़ वो आदमी मारेगा जिसने कभी आलस ना दिखाया हो। अगर कोई है तो ईमानदारी से सामने आए। माफी चाहते हैं कछुआ चाचा। हम मानते हैं कि हम आलसी हैं, लेकिन ये लोग भी आलसी हैं। ये लोग सोते रहते हैं कि लापता गंज की रखवाली कोई कर रहा होगा। हम तो आंख बंद करके सोते हैं, ये लोग आंख खोल के सोते हैं। तभी तो हमारे देश में आतंकवादी घुस जाता है और हम ही लोगों के ऊपर गोली चलाता है और मार के चला जाता है, और हम लोग जिसके भरोसे हैं वो आलस में अपनी नींद में सो रहा है। पुल बन रहा है, हम खुश हैं कि पुल बन रहा है। बनेगा तो हमारे बच्चे देखेंगे। सड़क बन रहा है तो बना जा रहा है, सब कुछ हो रहा है, पता नहीं कब पूरा होगा। आलस हम सब में भरा है। आंख बंद करके सोने से लेकर वोट डालने तक कछुआ सोता है तो सिर्फ लापता गंज साफ होता है। अगर आप लोग ऐसे ही सोते रहे तो एक दिन देश साफ हो जाएगा। आप लोग कछुआ का आलस बाद में मारना, पहले अपने अंदर का आलस तो मारो। अब देख क्या रहे हैं, जाइए जाके पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराइए। हाँ, चलो भाई। मुकुंदी बाबू, हम माफी चाहते हैं, हमसे गलती हो गया। अब हम कल से जल्दी उठेंगे। अरे कल से का है, आज से का है ना ही? अरे किसी कभी नहीं कहा था ना कल करे सो आज करे, आज करे सो। अरे तो हो गया है तो कल तो उठेंगे ना। है इसका कल तो कभी नहीं आएगा। कभी किसी का कल भी आ जाता है। रिली फिकर मत करो, हमारा कल जरूर आएगा। या? कौन कहता है आलस सिर्फ बिस्तर पर लेटते ही आता है। किसी वक्त भी अगर आप अपनी जिम्मेवारियों पर जागरूक न रहें तो ये आलस हमारे देश को पिछड़ा बना देगा। तो आइए आलसीपन छोड़ के जागरूक नागरिक बनते हैं।